Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपनी कुर्बानी दे दिए हैं, अपने जान को न्योछावर कर दिए हैं हमारे देश की सुरक्षा में। आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, यहां पर एकत्रित हुए हैं शांति की भावना के साथ, यहां पर एकत्रित हुए हैं उन गमगीन परिवारों के साथ खड़े होने के लिए जिन्होंने अपने बेटों को, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया। Bind us together, Lord, bind us together.
सर, आज जो हमारे 40 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के, जो आतंकवादी हमला हुआ था, आज उसके लिए विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया, किस तरह की आपने प्रार्थना सभा आई? हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में ही कहा था कि हमारे प्रार्थना की गई है जो 40 जवान शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार के लिए, ताकि परिवार इस दुख की घड़ी में धाड़स न खोए बल्कि मजबूती के साथ खड़ा रहे। साथ ही साथ शांति के लिए हमने प्रार्थना की है ताकि शांति स्थापित हो सके। सर, लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके अलावा हर जगह प्रार्थना सभा का आयोजन हो रहा है, क्या वो चर्च हो, क्या वो गुरुद्वारा हो, क्या वो मंदिर हो, क्या मस्जिद हो, लेकिन लोगों में गुस्सा है, क्रोध है। गुस्सा, क्रोध, आक्रोश, ये जायज़ है, क्योंकि बात ही ऐसी हुई है, हमारे जवानों को हमने खोया है, उनके दुख में हम साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें शांति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए कि शांति स्थापित हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.